जानकारी सामने आ रही है चंडीगढ़ से। हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज है, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है, कैबिनेट की बैठक होगी हरियाणा सचिवालय में, अहम बैठक होगी। जी हां, बैठक में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है और बैठक में करीब 14 से लेकर 15 एजेंडे शामिल हो सकते हैं जिस पर चर्चा भी हो सकती है। तो कई अहम फैसलों पर इस कैबिनेट मीटिंग में मुहर लग सकती है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज है, तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। लेकिन कौन कौन से प्रमुख एजेंडे हैं, सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, कौन कौन से एजेंडे हैं जिस पर चर्चा होनी है और यह भी बताया जा रहा है कि नई एक्साइज पॉलिसी पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल यश, अगर बात करें तो आज की कैबिनेट काफी खास रह सकती है और खास रहने के कई जो एजेंडेज हैं वो इसमें शामिल है। करीब 14 से 15 एजेंडेज ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो आज की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा नई एक्साइज पॉलिसी है, उस पर मोहर लग सकती है। और इसके अलावा जिस प्रकार से लंबे समय से जो पंचायत इलेक्शन ड्यू थे, तो उसको लेकर भी इस बैठक में है चर्चा की जा सकती है और कब इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि हाईकोर्ट से हरी झंडी जो है वो मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप बताइए, तारीख बताइए, आप कब इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तारीखों का जिक्र जो है वो किया जा सकता है कि कब तक इलेक्शन कराने हैं, या फिर जो लेटर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाना है तो उस पर बातचीत की जा सकती है, कब वो लेटर, कब तक जो इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है वो करवाने, इस पर चर्चा की जा सकती है। तो काफी अहम जो बैठक है आज की रहने वाली है, 3 बजे, दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी, तमाम जो मंत्री हैं इस बैठक में मौजूद हैं, कुछ विभागों के ACS अधिकारी जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जी रवि, अगर बात करें, चूंकि नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बात की जा रही है, तो नई एक्साइज पॉलिसी में ऐसा क्या खास हो सकता है, कोई जानकारी मिल पा रही है इसके संबंध में? देखिए यश, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई कि नई एक्साइज पॉलिसी में क्या कुछ नया होने वाला है। हालांकि जो पिछली एक्साइज पॉलिसी थी उससे कुछ बेहतर इस बार की एक्साइज पॉलिसी बताई जा रही है कि उससे कुछ उसमें कुछ सुधार जो है वो किए जा सकते हैं, या फिर आने वाले समय में जो एक्साइज पॉलिसी जो लागू होगी तो वो कहीं ना कहीं प्रदेश के हित की होगी। तो ऐसी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। फिलहाल पुख्ता तौर पर ये जानकारी नहीं है क्या क्या इस बदलाव इस एक्साइज पॉलिसी में जो है वो किए जाएंगे और कब तक जो है एक्साइज पॉलिसी जो है बनकर तैयार होगी, क्या इसमें नए जो सुधार हैं या फिर इसमें यूं कह लीजिए कुछ जो कमियां पिछली एक्साइज पॉलिसी में थी तो उसको लेकर क्या अपडेट किया जा रहा है, तो इसकी पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। जी, चूंकि पंचायत चुनावों को लेकर भी हरी झंडी अब हाईकोर्ट से मिल गई है, इसकी तारीखों को लेकर क्या चर्चा हो सकती है और क्या संभवतः तारीख तय हो सकती है? फिर आगे नोटिफिकेशन भी देना है, इलेक्शन कमीशन को भी एक पत्र जारी करना है, तमाम प्रोसेस है जिससे गुजरना है। और पंचायती चुनाव से अलावा अगर बात करें तो और कौन कौन से एजेंडे हैं जिस पर चर्चा होना संभव है? बिल्कुल यश, अगर बात करें तो फिलहाल जो है एक्साइज पॉलिसी का जो एजेंडा है वो काफी अहम माना जा रहा है, और इस एक्साइज पॉलिसी के अलावा जो है पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि पंचायत चुनाव फरवरी 2021 से जो है पंचायतें जो है वो भंग है, और उसके बाद से ये लगातार मांग की जा रही थी कि प्रदेश में जल्द से जल्द जो पंचायत चुनाव है वो कराए जाए ताकि जो गांवों का विकास, जो रुका हुआ विकास है वो तेजी से फिर आगे बढ़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट से, माफी जगह हाईकोर्ट से मिल चुकी है, और हाईकोर्ट ने सरकार से साफ कहा था कि आप तारीख बताएं कब तक आपको चुनाव कराने हैं, उसके हिसाब से जो है आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो रहेगी। और आज की बैठक में चर्चा की जाएगी, एक नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है पंचायत इलेक्शन करवा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी सरकार से ये कहा जाएगा कि 70 से जो 75 दिन का जो समय लगता है कि इलेक्शन कंडक्ट कराने में, वो समय हमें मिलना चाहिए, क्योंकि तमाम जो प्रोसेस है उसको पूरा करना है। जिस प्रकार से हमने लगातार देखे वार्ड बंदी की जा रही थी, नई पंचायतें जो है उनका गठन किया गया था, या फिर ईवीएम मंगाने की बात की जा रही है, तो ईवीएम से अगर इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं ज्यादा ईवीएम जो है वो हरियाणा को चाहिए। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां है उसमें, उसके प्रोसेस में 70 से 75 दिन का जो समय है वो लग सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले जल्द 2 से 2.5 महीने के अंदर पंचायत इलेक्शन हरियाणा में हो सकते हैं, उस पर आज की इस कैबिनेट बैठक में काफी चर्चा हो सकती है। जी ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
तो दर्शकों को ये बता दें कि दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कैबिनेट की बैठक होगी, और कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर चर्चा होनी है और कई अहम मसलों पर मुहर भी लग सकती है।